आज की वीडियो में बात करेंगे जो भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के छात्र हैं उनके एग्जाम में, यानी कि सेशन 2021 और 22 के सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले उसके बारे में बात करेंगे। पहले बिना देरी के बढ़ते हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज की इस वीडियो में इंक्लूड किए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट और भी अदर सब्जेक्ट से मॉडल पेपर आ सकता है, यानी मॉडल क्वेश्चन, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले देखते हैं आज की सीरीज को, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा है हिंदी वाले छात्र के लिए इंपॉर्टेंट, जो भी हिंदी के छात्र हैं, ठीक है, बीए के, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया पहला क्वेश्चन, हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ओमआर सीट पर एग्जाम हो रहे हैं पिछले तीन चार साल से लगातार ओमआर सीट पर परीक्षाएं हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, ठीक है, उनके एग्जाम में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी जहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखित परीक्षाएं हो रही है, लेकिन मैं बात करूँगा जहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने रखा है कि बिहार कैसे कभी थे, आपसे मिल जाएगा रसिक, बी नंबर भक्त भाव, सी नंबर दास के भाव, डी नंबर मधुर भाव, यानी बिहार कैसे कभी थे, तो आपसे इस तरह के आपको मिल जाएंगे। तो बिना देरी के इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रसिक बिहारी जी, रसिक प्रकार के कवि थे, ओके, ध्यान से समझिएगा, मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ओके, ए पे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे उसे आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंक्लूड किया मैंने बिहारी जी के गांव का क्या नाम था। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों नॉर्मली आपको लगते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही ले जाते हैं, ठीक है। बिहारी जी से संबंधित इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। बिहार जी के गांव का क्या नाम था, आपसे मिल जाएगा राजापुर, ननकाना, सी नंबर सोरो और डी नंबर बसवा गोविंदपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिहार जी के जो गांव का नाम था वो था बसवा गोविंदपुर, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस वीडियो मैंने इंक्लूड किया है वो है बिहारी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है, बिहारी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है, नंबर एक करुण, बी नंबर शांत, सी नंबर श्रृंगार और डी नंबर में से कोई नहीं। तो बिहारी जी के काव्य का मुख्य जो रस है वो मैं आपको बता दूं, वो है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। बिहारी जी ने श्रृंगार रस को काफी ज्यादा उपाधि दी है, या फिर आप कह सकते काफी ज्यादा इसके बारे में उन्होंने विख्यात जानकारी दी और उसके बारे में ज्यादा रचना रची है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी श्रृंगार, श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से रीति सिद्धि कवि कौन है, तो आपसे मिल जाएंगे घनानंद, बिहारी, देव, पद्माकर। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बिहारी जी को रीति सिद्ध कवि भी माना जाता है या फिर कहा जाता है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहारी जी क्या रीति सिद्ध कवि थे या फिर बिहारी जी को कौन से कवि के नाम से जाना जाता है और भी, ठीक है, तो वहाँ पर आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर एक ही होगा, बिहारी से संबंध होगा रीति सिद्ध से, ठीक है। बिहारी का बिहारी जी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर रीति सिद्ध लिखा रहे तो जान जाइएगा कि वो सब बिहारी जी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि रीति वहाँ पर क्या लिखा था, रीति सिद्ध, ठीक है, तो रीति सिद्ध का से थोड़ा मतलब आप लोग अर्थ निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो बिहारी जी हैं वो रीति ताल के कवि भी हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा इसका, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, आपसे मिल जाएगा काशी, बिहार, ग्वालियर, डी नंबर मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिहारी का जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ओके। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, काशी, बिहार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा ग्वालियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन, जबकि ग्वालियर आप सभी को मालूम है कहाँ आता है अच्छी तरह से, तो आप लोग ग्वालियर सेलेक्ट करिएगा जहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे, ओके। अगला ऑप्शन है कि बिहारी ने किसका शिष्यत्व स्वीकार किया था, नरिहरदास का, रहदास का, रहीम का, नामदेव का, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि बिहारी जी के जो गुरु थे, ठीक है, वो कौन थे, या फिर आप कह सकते हैं कि बिहारी जी किसके शिष्य थे। ऑप्शन मिल जाएगा नरिहरदास का, रहदास का, रहीम का और नामदेव का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बिहारी जी ने नरिहरदास का शिष्यत्व स्वीकार किया था, ओके, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंक्लूड है कि बिहारी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे संबत 1220 और ऑप्शन अगला मिल जाएगा 1652 और अगला ऑप्शन है 1500 1540। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि वहाँ पर बिहारी जी का जन्म जो है वो बताया जा रहा है 1652, ठीक है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ संदेह ये है, संदेह है, तो 1652 ना करके आप लोग यहाँ पर अगर ऑप्शन आप लोगों को अगर इस तरह के ऑप्शन मिल जाए कि 1620 आ जाए, सॉरी 1220, 1652, 1500 1540, अगर इस तरह के सेम ऑप्शन आपके एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग वहाँ पर 1652 सेलेक्ट करिएगा। अदरवाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि बिहारी लाल जी का जन्म किस सन में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, 1595 वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कि जैसे आप सर्च करेंगे बिहारी का जन्म कब हुआ था, वहाँ पर ऐसे लिख के आएगा 1595, क्योंकि ये जो जानकारी है 1595 की वो विकिपीडिया के अनुसार बताई जा रही है, तो ज़्यादातर इंटरनेट पे इसी यही आंसर मिलेगा। तो अगर इसमें अगर 1595 ऑप्शन होता तो हम 1595 को सिलेक्ट करते, ये ध्यान रखिएगा बिहारी जी का जन्म जो है वो 1595 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के गुरु नरिहरदास कहाँ रहते थे, जो गुरु थे बिहारी जी के उन कहाँ रहते थे, आपसे मिल जाएगा बनारस, कन्नौज, मथुरा और ओरछा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी के जो गुरु थे नरिहरदास जी वो ओरछा में रहते थे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंक्लूडेड है इसमें बिहारी, यहाँ पर थोड़ा मिस राइट हुआ, यानी कि टाइप करने में थोड़ा मिस हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि बिहारी जी सन 1662 में किस राजा के यहाँ अपनी व्रत लेने गए, तो यहाँ पर राजा लिख गया, तो राजा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा था, कुछ वर्ड इसमें मिस टाइप हो सकते हैं, उसके लिए आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। मैं उसके लिए अगर जानकारी रहेगी अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस हुआ है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि यहाँ पर ये होगा, अगर अदरवाइज ना ध्यान पर दे पाऊँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि लिखा सही है लेकिन सर थोड़ा भूल गए होंगे, ओके। और लिखा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मानसिंह, गोविंद सिंह और जय सिंह और डी नंबर अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जय सिंह, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है नहीं पराग नहीं मधुर मधु पंक्ति किस कब की है, नहीं पराग नहीं मधु मधुर मधु पंक्ति किस कब की है, ऑप्शन मिल जाएगा तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी लाल, डी रहीमदास। इसका आंसर आप सभी को पूरी तरह मालूम है, मैं आपको बता दूं, आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, बिहारी लाल।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस राधा का क्या नाम था जो नरिहरदास जी के दर्शन करने के लिए बंदा बन आया और बिहारी को अपने साथ ले गया। यानी कि उस राधा का क्या नाम है जो नरिहरदास जी के दर्शन के लिए आया लेकिन बंदा बन आया और बिहारी जी को अपने साथ ले गया था, अकबर जहांगीर औरंगजेब शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, शाहजहां जी ने बिहारी जी यानी कि शाहजहां जो थे बिहारी जी को अपने साथ ले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सत्ताई पर किसका प्रभाव नहीं है। ऑप्शन मिल जाएगा अमरूक शतक का, गीत गोविंद का, आद्या सप्तशती का, गाथा सप्तशती का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गीत गोविंद, यानी कि बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान से समझ लीजिएगा, बिहारी सत्ताईस पर किसका प्रभाव नहीं था, वो है गीत गोविंद का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कवि ससुराल में रहता था। ऑप्शन मिल जाएगा पद्माकर, बिहारी, देवर, असली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका, मैंने देखा भी है कि मॉडल पेपर में पिछले कई सालों में मैंने देखा था, तो वहाँ पर ऑप्शन ए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी ससुराल में ही रहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सत्ताई में कितने दोहे हैं। बिहारी सत्ताई में कितने दोहे, आप सभी को मालूम बिहारी सत्ताई क्या है, सबसे प्रसिद्ध इनकी कृति है, जो भी आप कह सकते हैं रचना है। ठीक है, आपसे मिल जाएंगे 880 बी नंबर है, 450, 713 और डी नंबर है 200। तो बिहारी सत्ताई में जो दोहों की संख्या थी, यानी कि दोहा जो थे उनकी जो संख्या थी वो थी 713, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जाना बहुत ही जरूरी है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो बहुत ही टॉप लेवल का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सत्ताई किस वर्ग में आता है, या फिर आते हैं, सॉरी इसमें टाइप करने में थोड़ा मिस हो जाता तो आप लोग समझ जाइएगा किस वर्ग में आता है। आपसे मिल जाएगा महाकाव्य में, चंपू में, मुक्ता काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहारी सत्ताई है, ठीक है, वो आती है मुक्तक काव्य में, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ध्यान दीजिए, बिहार से सही हुए वो मुक्तक काव्य वर्ग में आती है, ठीक है, या फिर आता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी को एक दोहा लिखने पर राजा जयसिंह से कितनी सरफियाँ मिलती थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास कर है, तो ऑप्शन मिल जाएगा 5, 10, 1, 7। तो बिहारी जी को एक दोहा लिखने पर राजा जयसिंह यहाँ पे एक सरफियाँ मिलती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता बिहारी के काव्य में नहीं थी। राष्ट्रीय भावना, नायिका का वर्णन, चमत्कार, श्रृंगार प्रधानता। निम्न विशेषता यानी कि जो बिहारी जी के काव्य थे, ठीक है, उसमें जो विशेषता नहीं थी, जिसके बारे में विशेष यानी कि ध्यान नहीं दिया, या फिर जिसके बारे में विशेषता नहीं बताई, ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं बताई है, वो है राष्ट्रीय भावना। इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, इसलिए इनकी विशेषता में राष्ट्रीय भावना नहीं थी। नायिका का वर्णन, चमत्कार, श्रृंगार, प्रधानता, ये सब थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की। ऑप्शन है कि 5, बी नंबर है 2, सी नंबर है 8 और डी नंबर 1। बिहारी ने जो ग्रंथों, हालांकि इनकी जो रचनाएं हैं, जिनके जो महाकाव्य हैं, जो इनकी कृतियां हैं उनकी बात या फिर इनकी दोहों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ ग्रंथों की बात कर रहे हैं। बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे जहाँ तक मैंने नॉलेज लिया है, वहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो बिहारी जी के जो ग्रंथों की संख्या वो एक है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी तो कमेंट में बताइएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो डी नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक, ठीक है, एक ग्रंथों की रचना की है, ठीक है, ग्रंथ में। हालांकि इनकी कृति और दोहे और जो भी रचनाएं और बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रंथ की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे मिल जाएगा देव सेनापति तस्लिम बिहारी, तो ये कहा गया है बिहारी जी के लिए, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, राइट आंसर बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंक्लूडेड है इसमें, बिहारी किस काल की कवि थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आप एग्जाम में कई बार पिछले साल में पूछा भी गया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो बिहारी जी किस काल की कवि थी, आई होप बहुत सारे छात्रों को इसका राइट आंसर मालूम होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। छायावाद, आधुनिक काल, भक्ति काल, राइट आंसर हो जाएगा रीतकाल। बिहारी जी रीतकाल के कवि थे या हैं, ऐसे थोड़े बहुत आपके एग्जाम में भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले गए कि किस काल के कवि हैं, तो आप मैं सोचिएगा कि इस समय प्रेजेंट की बात हो रही है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये मत समझिए प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ बिहारी जी किस काल के कवि थे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रीतकाल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में पूरे बिहारी जी से संबंधित 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया था, हालांकि इनसे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब आप सभी के एग्जाम नजदीक आ जाएंगे, लगभग एक महीने या फिर उससे कम रह जाएंगे यानी कि, तो मैं आप सभी के लिए जो भी बिहारी यानी किसी भी कवि से संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सारे आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी बहुत सारे छात्र इस सीरीज से या फिर आप कह सकते हैं इस क्लास से ज्वाइन नहीं हुए, तो उनको आधी आधी जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं अभी सारी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो और भी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, और मुझे लगता है कि अगर मैं सभी कवि से संबंधित 50-50 क्वेश्चन बता दूंगा तो आप सभी की जो हिंदी फर्स्ट पेपर है वो करेक्ट क्लियर हो जाएगा 100%। ओके, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट करके पूछिएगा किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के छात्र कुछ पूछना है तो बेशक कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।